हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं अपने शूज़ क्लीन करने वाला हूँ। तो ये शूज़ मैंने काफ़ी पहले लिए थे, लेकिन साफ़ नहीं कर पाया था मैं, वो वैसे ही पड़े हुए थे तो काफ़ी गंदे हो गए थे। और वाइट कलर के शूज़ हैं। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी थी, तो उसमें केमिकल यूज़ होता है, तो मैंने ट्राई किया है कि क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये है मेरे वाइट शूज़। और मुझे साफ़ करने के लिए मैंने लिया बेकिंग सोडा 6 स्पून, और इसमें मिलाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन 3 स्पून। तो जो इसकी रेशियो हुआ 2:1, मतलब 6 स्पून मैंने वो डाला है सोडा और 3 स्पून ये डाला हुआ है। अब इसे प्रॉपर मिक्स करते हैं आराम से। 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, इसे रखते हैं साइड में और मिक्स करते हैं, अच्छे से पेस्ट बनाते हैं इसका। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका एक पेस्ट बना लिया है। तब तक जूतों को पानी में डाल देते हैं, सोक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रहे शूज़, और इन्हें मैं पानी में डाल देता हूँ, पहले इसके लेसेस निकाल देता हूँ। A few minutes later. तो ये अच्छे से सोक हो गए हैं। अब इसके ऊपर केमिकल जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो अप्लाई करते हैं इसके साइड में। उसे टूथब्रश की मदद से पूरे शूज़ में सेपरेट कर लेंगे, प्रॉपर लगा लेंगे। और ये मैंने प्रॉपर लगा लिया दोनों शूज़ पे, कुछ कुछ जगह रह गई वहाँ पे भी लगा देता हूँ। मैंने शूज़ पे तो अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब इसके लेसेस हैं, इसे भी पेस्ट में मिक्स कर लेता हूँ मैं, प्रॉपर इन्हें भी मिक्स कर दूँ। पेस्ट अप्लाई कर लिया शूज़ पे। अब इन्हें ले जाता हूँ ऊपर सुखाने के लिए, थोड़ी देर के लिए धूप में रखते हैं इन्हें, धूप भी अच्छी है आज। गाइस, ये पूरे सूख गए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी दिख रहा होगा टेक्सचर सा है, जो ये सारा पेस्ट इस पर जम गया है, तो थोड़ा सा पेस्ट ऐसे झाड़ लेते हैं हम। और
पेस्ट अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, काफ़ी मतलब अच्छे साफ हो गए हैं। अब चाहे तो सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं बना के। सो गाइज, एंड रिजल्ट तो आपने देख लिया शूज़ का कैसा है। शूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से साफ हो गए थे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार उसे पानी से भी वॉश कर लें, हल्का हल्का पानी से, तो और भी ज़्यादा अच्छे साफ हो जाएंगे वो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप, लाइक करना, शेयर करना।